कहाँ से तशरीफ लाए? कोरंगी से। आपको थोड़ा दूर नहीं लगता आने जाने में? थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होती कि घर बैठ के देख लेता हूँ, मदनी मुज़ाकरा ही तो देखना है? बात ये है कि घर पे तो पूरी दुनिया देख रही है ना, बाबा 70 से भी ऊपर है, लेकिन फिर भी वो इतना वक्त हमें अदा कर रहे हैं, तो क्या हम कोरंगी से यहाँ पे नहीं आ सकते? हमने तो सुना है कि बुजुर्ग आने के दिन एक एक हदीस के लिए कितनी दूर दूर तक सफर करते थे। मदनी मुज़ाकरा सुनने के लिए आए थे, आज मैंने भाई को भी दावत दी थी तो भाई को भी साथ लेके आया हूँ मैं। जब तक मेरी जिंदगी, जब तक अख्तवार मदनी मुज़ाकरा में आता रहूंगा और दूसरों को, भाइयों को भी लाता रहूंगा। मेरे दोस्त भी कहते हैं यहाँ पे आके बैठो मेरे पास, तुम ये छोड़ो ये फजूल में। मैंने लगा ये फजूल नहीं है, आखिरी में जिंदगी में यही काम आएगा। मेरे दोस्त सिर्फ इलियास कादरी हैं। अच्छा, मदनी मुज़ाकरे में क्या क्या सीखने को? मदनी मुज़ाकरे में क्या सीखने को नहीं मिलता, आप ये सवाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे यहाँ कुछ मिला है ना, मुझे कहीं जिंदगी में, दुनिया में ना मिला है ना मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरों में ऐसा इल्म दीन सीख मिल रहा है जो हमने पहले सुना ही नहीं था, जो दुनिया में बातें कभी बड़ों से भी नहीं सीखी, अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ा ने मदीना में आके सीखी। मदनी मुज़ाकरे में एक तो ये कि अपनी इस्लाह करने की आदत हासिल होती है, और दूसरा ये कि जो एक करंट होता है ना, मतलब किसी बैटरी को चाहिए होता है, तो यहाँ के वो करंट मिलता है और वो पूरे हफ्ते जो है फिर वो जरा बंदा पावर में रहता है। मेरे सुनो का जो अंदाज है बड़ा सादा अंदाज है, तो इस हवाले से क्या है? पापा का अंदाज ही तो है अल्हम्दुलिल्लाह, जो बिला मुबालगा करोड़ों लोग तो गर्विदा होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे लिए सुन्नत की मेरे को ख्वाब में ज़ियारत हुई और उसके एक महीने बाद मैं मदीने चले गए, मैंने साथ देखा ख्वाब में, यानी कि अमीर सुन्नत के साथ ही तवाफ कर रहा हूँ आने का वक्त। अच्छा, सुबह जब मैं उठा तो दिल की कैफियत ही बदली हुई थी। फैजान मदीना के हवाले से इतिकाफ की कुछ चीजें बताएं कि जो आशिका रसूल शिरकत करना चाहे, इतिकाफ बैठना चाहे, ताकि वो इस हवाले से तैयार रहे। इतिकाफ की तो क्या ही बात है माशाल्लाह से, कि जब आए थे तो बहुत ही रौनक लगती है, कि हल्के लगने और बड़े प्यार से जब सो रहे हैं तो उठाना एक तरीका कार होता है उठाने का माहौल, इसके अलावा और कोई मेरे समझ में नहीं आया। ये माहौल बहुत ही प्यारा था इस्लामी का। मैंने यहाँ पर फैजान मदीना में राउंड अबाउट 16 साल पहले ही इतकाब किया था 10 दिन का। तो जो सबसे अहम चीज वो ये थी कि हम जो हमारी बेसिक नॉलेज है नमाज के हवाले से, पाकी नापाकी के हवाले से, वजू करने का तरीका, गुस्ल का तरीका, जो मतलब बुनियादी हमारी जरूरत है वो हमने सिर्फ सीखी थी इसमें। जिन दिनों में मैंने इतकाब किया था ना, तब ना ही मदनी चैनल था, और अब तो मतलब 30 दिन का अगर हम इतकाफ अटेंड करते हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जहाँ इबादत है सब कुछ है वहाँ पे मदनी मुज़ाकरा है, और दीन इस्लाम की जो बहुत हमारी जो बुनियादी मुआशरती हवाले से जो हमारी जरूरत के मुताबिक चीजें हैं ना वो हम सीखते हैं, मसाइल सीखते हैं बड़ी आसान उर्दू लैंग्वेज में, मुफ्तियाने कराम के ज़ेरे साया, स्पेशली अपने प्यारे अमीर अहले सुन्नत के ज़ेरे साया। करंट पीरियड जो हमारा है ना, इसमें हमारे अमीर अहले सुन्नत बामल एक वली कामिल, हम लोगों किससे सुनते हैं कि एक वली होते हैं, लेकिन ये हमारे माशाल्लाह वली कामिल हमारे सामने मौजूद है जो हमारी तरबियत फरमा रहे हैं।